तो हम पढ़ते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। आपको पता है ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी नर्व है? तीन सेंसरी डिविजन है, ऑप्थल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। और इसका एक मोटर आउटपुट है जो कि जाता है वाया मैंडिबुलर ब्रांच के थ्रू। जो हमारी दो, जो मैंने बोला था दो ब्रांचेस जो है, दो डिविजन जो है ट्राइजेमिनल नर्व की, वो प्योर सेंसरी है, ऑप्थल्मिक और मैक्सिलरी। लेकिन जो मैंडिबुलर है वो मिक्स है, क्योंकि ये सेंसरी भी जाती है यहाँ से और मोटर भी यहाँ से जाती है ट्राइजेमिनल के ब्रांच से। अगर हम ऑप्थल्मिक नर्व पढ़े सबसे पहले, तो हमने पढ़ा था इसकी कितनी ब्रांचेस पड़ी थी, चार ऑप्थल्मिक नर्व की। सबसे पहले कौन सी ब्रांच पड़ी थी? मेनिंजियल और टेंटोरियल नर्व, जो कि कहाँ से सेंसरी इनपुट लेती है? मेनिंजीज से। कौन कौन सी सेंसरी इनपुट लेनी है सबसे पहले ये हम डिफाइन कर लें, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर और प्रोप्रियोसेप्शन। जब भी हम कहेंगे सेंसरी इनपुट ले रहे हैं या इनर्वेशन ले रहे हैं, तो वो ये पांच सेंसेशंस होंगी। तो मेनिंजियल नर्व जो ले रही है वो मेनिंजीज से ले रही है। उसके बाद दूसरी नर्व है फ्रंटल नर्व, जो दो में डिवाइड हो जाती है, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और सुपरा ट्रॉक्लियर नर्व, जो कि ऊपर चली जाती है फोरहेड से होते हुए स्काल्प के ऊपर टिल वर्टिक्स, इंटीरियर हाफ ऑफ जो स्काल्प है वहां से जो सारी इनर्वेशन, जो सेंसरी और इनपुट लेती है। उसके बाद दूसरी नर्व थी हमारी लैक्रिमल नर्व, जो कि लैक्रिमल ग्लैंड और ऑर्बिट में चली जाती है, वहां तक इसकी इनर्वेशन होती है। तीसरी है, चौथी फॉर एग्जाम्पल, पहली थी मेनिंजियल, दूसरी फ्रंटल, तीसरी लैक्रिमल और चौथी है नेसोसिलरी नर्व। इसकी पांच ब्रांचेज हैं। सबसे पहली पांच ब्रांच बनाती है सिलरी गैंग्लियन, जो कि पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन है। दूसरी इसकी ब्रांच है लॉन्ग सिलरी नर्व। तीसरी इसकी ब्रांच है पोस्टीरियर एथमॉर्डल नर्व, जो कि पोस्टीरियर एथमॉर्डल फोरामिनन से होते हुए ऊपर चली जाती है। और चौथी है इंटीरियर एथमॉर्डल नर्व, जिसकी ब्रांचेज है मजीद इंटरनल और एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेज। एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेज ऑफ द नोज तक जाती है। और पांच इसकी ब्रांच है नेसोसिलरी नर्व की इंफ्रा ट्रॉक्लियर नर्व। ठीक है, ये हमारी होगी ऑप्थल्मिक नर्व। और आपको पता है ये कौन से स्ट्रक्चर से पास करती है? स्कल्पी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्रॉस करती है, पासिंग थ्रू लेटरल वॉल ऑफ कवर्नस साइनस और चली जाती है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जिसमें ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस भी होती है। इस ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का दूसरा नाम है गैसेरियन गैंग्लियन और तीसरा नाम है सेमिल्यूनर गैंग्लियन। फिर हमारे आती है सेकंड डिवीजन, विच जो कि है मैक्सिलरी डिवीजन। मैक्सिलरी डिवीजन की सबसे पहली ब्रांच हमने कौन सी पढ़नी थी? वो मेनिंजियल ब्रांच। मैंने बोला है ऑप्थल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर की सबसे पहली ब्रांच आपने कौन सी करनी है? मेनिंजियल ब्रांच। उसके बाद दूसरी ब्रांच है उसकी जाइगोमैटिक ब्रांच, जो कि दो में डिवाइड हो जाती है, जाइगोमैटिक और टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमैटिक और टेम्पोरल ब्रांच और जाइगोमैटिक को फेशियल ब्रांच। उसके बाद तीसरी ब्रांच है नेजल ब्रांच, जो कि नाक के अंदर चली जाती है, सुपीरियर नेजल, पोस्टीरियर नेजल, इंफीरियर नेजल और मेन इंपॉर्टेंट है नेजोपैलेटाइन नर्व। उसके बाद है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है सुपीरियर एल्वोलर नर्व, जिसकी तीन सब डिविजन्स हैं, इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। जो इंटीरियर एल्वोलाई करती है टीथ को वो है इंटीरियर सुपीरियर एल्वोलर नर्व, मिडल सुपीरियर एल्वोलर नर्व और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वोलर नर्व। और इसी की ब्रांचेस इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की ही ब्रांचेस चली जाती हैं इंफ्रा ऑर्बिट में, जो कि लोअर लिप को इनर्वेट करती है और अपर लिप की तरफ भी चली जाती है और नोज में भी चली जाती है। और इसकी जो अगली ब्रांच है वो पैलेट को करती है, हमारी पैलेट है ना, लेसर पैलेटाइन नर्व और ग्रेटर पैलेटाइन नर्व। फिर नर्व टू पटेरिगॉइड कैनाल है इसकी एक ब्रांच, और जो फेरिंग से इनर्वेशन देती है वो है फ्रेंजियल नर्व। तो ये सारी ब्रांच, फ्रेंजियल नर्व, नर्व टू पटेरिगॉइड, लेसर ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, नेजल नर्व, जाइगोमैटिक नर्व, ये सारी ब्रांचेज और मेनिंजियल नर्व किसकी ब्रांचेज है? मैक्सिलरी नर्व की, जो कहाँ से, जो कि गैंग्लियन बनाती है पटीरी को पैलाटाइन गैंग्लियन, ये भी पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन है। फिर कहाँ से क्रॉस करती है? फोरामेन रोटंडम से, क्रेनियल फोरामिना है ना, और ये पास करती है थ्रू लेटरल वॉल ऑफ कवर्नस साइनस, वो फिर चल जाती है ट्राइजेमिनल या गैसेरियन या सेमिल्यूनर गैंग्लियन, जो कि कहाँ पड़ा होता है गैंग्लियन? ट्राइजेमिनल केव होता है, ड्यूरल केव होता है, वहाँ भी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन पड़ा होता है। फिर तीसरी जो हमारी सेंसरी ब्रांच है वो है मैंडिबुलर ब्रांच। उसकी सबसे पहले हमने ब्रांच पढ़ी थी बक्कल ब्रांच, चले कर लेते हैं, जो कि हमारे चीक्स को यहाँ से इनर्वेशन, यहाँ से सेंसरी इनपुट लेते हैं। कौन सी सेंसरी इनपुट? टच, पेन, टेंपरेचर, प्रोप्रियोसेप्शन और प्रेशर। प्रेशर उसके बाद अभी हमारी आती है लिंगुअल नर्व, जो कि इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग से जनरल सेंसेशन लेता है, जनरल सेंसेशन, नॉट टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट सेंसेशंस कौन सी नर्व काम है? फेशियल। इंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग टेस्ट फ्रॉम इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग फेशियल नर्व, टेस्ट फ्रॉम पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, एंड टेस्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर मोस्ट ऑफ द टंग इज बाय वेगस नर्व। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं जनरल सेंसेशंस की। इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग जो जनरल सेंसेशंस है, मैंने बोला था जो भी हम फॉर एग्जांपल टॉफी खाते हैं तो टॉफी हार्ड है या सॉफ्ट है,
राउंड है या कोई मुस्तकील है, लंबी है, चौड़ी, ये जो जनरल सेंसेशंस हैं, ये किसके थ्रू जाती हैं? लिंगुअल नर्व के थ्रू, जो कि ब्रांच है मैंडिबुलर डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंटली इंफीरियर एल्बुलर नर्व है जो कि सब मैंडिबुलर गैंग्लिया में आती है, और इंफ्रा डेंटल प्लेक्सिस के थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटर एल्बुलर ब्रांचेस होती है, और इसकी एक और ब्रांच है मेंटल नर्व जो हमारे चिन को इसे इनर्वेशन देती है सेंसरी, और सुपीरियर एक और ब्रांच आती है जो कि इंफीरियर जो लोअर लिप को इनर्वेट करती है, और एक पोस्टीरियर इसकी ब्रांच है मैंडिबुलर डिवीजन की जिसे हम कहते हैं ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है टेम्पोरल बनाती है, सुपरफिशियल टेम्पोरल नर्व बनाती है, लेकिन पासिंग थ्रू दिस एरिया इट गिव्स सम इंटीरियर ब्रांचेस एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस। इंटीरियर ब्रांचेस कौन सी हैं? आर्टिकुलर नर्व जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से इनर्वेट करती हैं, और पोस्टीरियर ब्रांचेस हैं इंटीरियर ऑरिकुलर नर्व, और जहाँ से ऑर्टिक नर्व ऑर्टिक गैंग्लियन बनता है। मैंने बोला था कि पैरासिम्पथैटिक ट्राइजेमिनल नर्व क्योंकि फिफ्थ नर्व है, चार पैरासिम्पथैटिक गैंग्लियन बनता है। एक हमने पढ़ लिया था कौन सा? सिल्वी गैंग्लियन। एक हमने पढ़ा ओटिक गैंग्लियन। एक हमने पढ़ा जो ऊपर वाली है फिफ्थ ए और फिफ्थ बी, लेटर वॉल ऑफ कॉर्नस साइनस से गुजरती हुई ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में चली जाती है। फिर यहाँ से यहाँ के जो भी सेंसेशन इन्होंने दी थी मिक्स्ड सेंसेशन, यहाँ से सेपरेट होकर इसके रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई में चली जाती है। जो सेंसेशन है पेन और टेम्परेचर की इन्होंने फेस और हाफ ऑफ द स्कैल्प से ली थी, पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन वो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस में चली जाती है, स्पाइनल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। और जो इन्होंने फेस और स्कैल्प से वाया ऑफ्थाल्मिक मैक्सिलरी और मैंडिबल डिवीजन से सेंसेशन ली थी टच और प्रेशर की, वो चली जाती है प्रिंसिपल फोंटाइन न्यूक्लियस में। और जो इन्होंने सेंसेशन ली थी प्रोप्रियोसेप्शन की, कौन सी सेंसेशन ली? प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, मसल्स ऑफ मास्टिकेशंस, जॉइंट से, टीथ से, वो चल जाती है मेसेंसिफैलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इप्सिलैटरली। ये है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फिर यहां से फ्रॉम द सेंसरी न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व सेकेंडरी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाएंगे थैलेमस की तरफ, लेकिन ये क्रॉस करेंगे डिकसेट करेंगे और कंड्रा लेटर थैलेमस में जाएंगे, और इनके लिए न्यूक्लियस है फेस और स्कैल्प से जो सेंसरी फाइबर जाते हैं वो वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस के थ्रू जाते हैं। हमने बोला था ऑल द सेंसेशन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट फेस कहाँ जाते हैं? वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, लेकिन फेस और स्कैल्प से वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस। ये हमने लेफ्ट फेस बनाया, तो लेफ्ट साइड पर जो भी सेंसेशन है टच पेन टेम्परेचर प्रोप्रियोसेप्शन प्रेशर की वो जाएंगे इप्सिलैटरल सेंसरी न्यूक्लियाई की तरफ, लेकिन कंट्रा लेटरल थैलेमस में चले जाएंगे, और कंट्रा लेटरल हमारे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स है एरिया 312। अब यहाँ से कंट्रा लेटरली चले गए उसके रिस्पेक्टिव वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस और थैलेमस की तरफ, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन है और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, इसको लेमनिस्कस कहते हैं क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व का पार्ट है, इसे कहते हैं ट्राइजेमिनल, ये जो फाइबर्स हैं कहते हैं ट्राइजेमिनल लेमनिस्काइस। फिर वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इमर्ज होते हैं, और अपने रिस्पेक्टिव ब्रॉडमैन एरिया 312 जो कि प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है वहां पे अपनी सारी फाइबर्स सिग्नल्स दे देता है। तो ये हमारा सेंसरी पार्ट था ट्राइजेमिनल नर्व का। उसके बाद आता है हमारा मोटर पार्ट। मोटर पार्ट जो मोटर न्यूक्लियस है ना वो मीडियल होता है, मीडियल टू प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियस के पड़ाव था इन द बोन्स। फिर वहां से जाता है इनटू ट्राइजेमिनल गैंग्लियन और वाया मैंडिबुलर ब्रांच के साथ होते हुए, क्योंकि हमने बोला था कि दो प्योर सेंसरी हैं ऑफ्थाल्मिक और मैक्सिलरी, जहाँ से ऑफ्थाल्मिक और यहाँ से मैक्सिलरी जाएंगे, यहाँ से मैंडिबल भी आ रही है और मोटर पार्ट भी आ रहा है, तो ये मिक्स्ड पार्ट है। फिर यहाँ से हमने बोला था चार मसल थे मास्टिकेशन से, कौन से? मैसेटर मसल, लेटरल पटेरिगार्ड, मिडिल पटेरिगार्ड और टेम्पोरलिस मसल, और चार दूसरे हैं टेंसर टिम्पैनी मसल, टेंसर वेली पैलाटाइन, माइलोहायलाइट मसल और एंटीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। तो जो नर्व इन मसल को इनर्वेट कर रही है उसके रिस्पेक्टिव उसके नाम है। फॉर एग्जांपल जो मसल जो नर्व टेम्पोरलिस मसल को इनर्वेट कर रहे हैं नर्व टू डीप टेम्पोरलिस मसल, डीप टेम्पोरल नर्व, और नर्व टू मैसेटर मसल, नर्व टू लेटर पटेरिगार्ड मसल, नर्व टू मिडिल पटेरिगार्ड, नर्व टू टेंसर टिम्पैनी, नर्व टू टेंसर वैली पैलाटाइन, नर्व टू माइलोहायलाइट, नर्व टू एंटीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, ये इसका मोटर पार्ट है। और आपने ये हमने पढ़ा कि मास्टिकेशन में जो मसल तीन मसल चाहिए होते हैं माउथ को शट करने के लिए, जो एम से स्टार्ट है, ऑल थ्री मसल्स आर रिक्वायर्ड टू शट योर माउथ, वी स्टार्ट फ्रॉम एम, नॉट स्टार्ट एम फॉर मैसेटर,
एम फॉर मीडियल पिट्यूटरी गार्ड और टेम्पोरलिस इसमें भी एम आता है, लेकिन जो टेम्पर जो जो लेटरल पिट्यूटरी गार्ड मसल है वो ओपनिंग ऑफ माउथ के लिए उसका उसका फंक्शन है, जैसे आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था इसकी पैथोलॉजीज, फॉर एग्जांपल हर्प्स जोस्टर वायरस पढ़ा था, शिंगल्स ये इफेक्ट करता है, अटैक करता है ट्राइजेमिनल सेमिल्यूनर या ग्रेसेरियन गैंग्लियन के ऊपर। और हमने पढ़ा था अगर फिफ्थ क्रेनियल और फर्स्ट पार्ट डैमेज हो जाएगा, ऑफ्थाल्मिक पार्ट डैमेज हो जाए तो जाहिर है जो उसके रिस्पेक्टिव एरिया होंगे वो नंब हो जाएंगे। अगर ऑफ्थाल्मिक नर्व उड़ जाती है तो क्या होगा, हमारा सुपरा जो सुपीरियर पैल्पेब्रा है अपर आईलिड ये भी जो है ना सोन हो जाएगा, इसमें कोई फीलिंग नहीं होगी, टच करेंगे टेम्परेचर भी कुछ भी फील नहीं होगा, स्कार भी फील नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो जो सेंसरी इनपुट ले रहा था वही डैमेज हो गई। और इसके लिए है कॉर्नियल रिफ्लेक्स, हमने पढ़ा था ब्लिंक रिफ्लेक्स, वो भी जो है ना डैमेज हो जाएगा। ब्लिंक रिफ्लेक्स के लिए कोई भी हम जब टच करते हैं तो कुछ भी फॉरन पार्टिकल जाता है, वैसे हम जब चेक करते हैं पेशेंट को तो हम कार्टून के साथ टच करते हैं, हम उसकी आँख में मट्टी नहीं डाल देते कि हमने एक्चुअल हमने रिफ्लेक्स चेक करना है, कार्टून के साथ उसको बोलते हैं आँख खोलें और टच करते हैं तो वैसे ब्लिंक करते हैं। तो फिफ्थ क्रियल नर्व सेंसरी सिग्नल लेके जाता है वाया ऑफ्थाल्मिक नर्व, और सेवंथ क्रियल नर्व से आती है मोटर आउटपुट ऑर्बिकुलरिस और ओरस मसल के ऊपर। और लैक्रिमेशन है वो भी सेवंथ क्रियल नर्व का, जो आपको पता है कि लैक्रिमल पार्ट है ऑर्बिकुलरिस ओरस सॉरी ऑर्बिकुलरिस ओकुला के तीन तीन पार्ट पढ़े थे हमने, एक पैल्पेब्रल पार्ट, एक ऑर्बिटल पार्ट और एक लैक्रिमल पार्ट। जब लैक्रिमल पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लैक्रिमल ग्लैंड से जितने भी टीयर होते हैं वो चले जाते हैं नीचे वाया मेसोलैक्रिमल डक्ट। उसके बाद हमने अगर फिफ्थ बी मैक्सिलरी नर्व वो डैमेज हो तो उसके रिस्पेक्टिव एरिया वो पैरालाइज हो जाएंगे, और कौन सा रिफ्लेक्स खराब होगा, स्नीजिंग रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं मेजो ऑकुलर रिफ्लेक्स। और तीसरा अगर मैंडिबुलर डिवीजन जो डैमेज हो जाए तो फिर कौन सा रिफ्लेक्स खराब होगा, जार्जर रिफ्लेक्स। इनके रिस्पेक्टिव एरिया तो पैरालाइज होंगे ही होंगे लेकिन रिफ्लेक्स भी खराब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट कहे कि यार मुझे यहाँ भी ठीक है यहाँ भी, लेकिन मुझे यहाँ फील कुछ नहीं होता, चलें फॉर एग्जांपल पेशेंट कहे मुझे यहाँ फील कुछ नहीं होता ये वाला चीज, वो टच करे गर्म चीज़ लगाए ठंड मुझे फील नहीं होता, तो मीन्स के सबसे पहले क्या होगा, मेंटल नर्व इसकी डैमेज है। और वो नहीं डैमेज तो कौन सी नर्व है, इन्फीरियर एल्बुलर नर्व डैमेज। अगर वो नहीं डैमेज तो कौन सी नर्व है, मैंडिबुलर पूरी, नहीं तो फिर ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, नहीं तो फिर जो अगर टच नहीं हो रहा तो टच का जो रिसेप्टर न्यूक्लियस अकाउंट है टच और प्रेशर का प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट न्यूक्लियस वहाँ को प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर ट्राइजेमिनल लेमिनिस का है, नहीं तो फिर वेट्रो पोस्टर मीडियल न्यूक्लियस, नहीं तो फिर प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया। तो पैथोलॉजीज ऐसी डिवेलप होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्या होता है कि फिफ्थ बी और फिफ्थ सी मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन की जो रूट्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है, कोई आर्टरी उसको कंप्रेस कर दे या कोई ट्यूमर इसको कंप्रेस कर दे, ट्रामा ट्यूमर इन्फेक्शन कुछ भी हो, जब ये कंप्रेशन होती है फिफ्थ बी और फिफ्थ सी से तो इंक्रीज इनक्रूशिएटिंग पेन्स स्टैबिंग पेन डेवलप होती है, इवन टच से भी स्टैबिंग पेन होती है। फीमेल्स ने बोला था मेकअप करना मुश्किल होता है और टूथब्रश करना मुश्किल हो जाता है, इवन कोई जब टच भी करे कहीं भी मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन के किसी भी रिस्पेक्टिव एरिया पे तो हमें स्टैबिंग पेन बहुत इनकंट्रोलेबल पेन फील होती है। इसके लिए ड्रग्स मैंने बोला था ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट यूज होते हैं, एमीट्रिप्टालीन बोटॉक्स बोटुलिनम टॉक्सन या फिर कारोमाजेपिन ये वाली ड्रग्स यूज होती हैं। तो हाँ, ये जो मसल हमने पढ़े थे आपको पता है चार मसल है मास्टिकेशन के, तीन मसल चाहिए क्लोज करने के लिए और एक मसल खोलने के लिए हूँ को, और फिर चार मसल से एक एंटीरियर बेली डायगेस्टिक मसल मालूम है एक मसल। अब टेंसर टिम्पैनिक मसल है जो कि हमारे कंप्रेस करता है जो है थोड़ा सा टोन डेवलप करता है हमारे डी ए ड्रम को, क्या था उसका नाम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जो कि ज़्यादा लाउड वॉइस को डैम्पन कर देता है। जब ये डैमेज होगा तो हाइपोकोसिस डेवलप होता है, लो पिच वॉइस हमें सुनाई देती है, कहते हैं ना बोले हो जाते हैं, ऊंचा सुनाई देता है इनको। और फिर चौथा था हमारा मसल टेंसर बेली पैलेट, जो पैलेट को हमारे को इरेक्ट करता है ताकि जो भी हम खा रहे हैं ओरल पार्ट वो नेजल पार्ट में ना जाए। तो ये था हमारा ट्राइजेमिनल नर्व, किसी को क्वेश्चन आता पूछ लिया किसी और को, इसमें वो जो वायरस होता है ना वो इसका अटैकिंग पॉइंट ये वाला होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लिया जहाँ पे अटैक करता है, फिर जहाँ उसके क्लिनिकल फीचर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसकी पैथोलॉजी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा ना कि ट्राइजेमिनल गैंग्लिया इज बीइंग अटैक्ड बाय विच वायरस, herpes zoster virus ya herpes zoster virus attack which part of trigeminal nerve aur theek hai।